नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आज के इस वीडियो में फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसको बताने वाले हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर एग्जाम 2023 का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया फ्रेंड। तो आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम आपको इस वीडियो में पूरा टोटल बताने वाले हैं। इससे पहले देख सकते हैं आप, मैंने इंटर आर्ट थ्योरी एग्जाम 2023 यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर एडमिट कार्ड है, तो किस तरीके से आप भी अपना डाउनलोड कर पाएंगे हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले। चलिए पहले हम एडमिट कार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या नया चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 देख सकते हैं सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र यहाँ पर लिखा गया है। और देख सकते हैं पहले BICB यूनिक कोड नहीं आता था, अब BICB यूनिक कोड यहाँ पे आ रहा है, यूनिक आईडी आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आप जिस कॉलेज पढ़ते रहते हो कॉलेज का नाम आता है, और आपका मुख्य जो होता है सेंटर ये होता है आपका सेंटर, जो भी जहाँ आपका सेंटर बना रहता है वो होता है। और इस समय आपका सब्जेक्ट और किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है ये यहाँ पर सारा डिटेल लिखा रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ देख सकते परीक्षा का तिथि यहाँ पे दिखाया गया है, तो 2/2/2023 देख सकते हैं 8/4/6/3, तो यहाँ पे देख सकते सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरीके से लिए अपना सराप अपना देख सकते हैं। और बात करते हैं हम, और यहाँ पे अपने जब आप डाउनलोड कर पाएंगे तो यहाँ पे अपने प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर करवा लेंगे, तब आप ये आईडी आपका ये जो आईडी है यानी कि एडमिट कार्ड आपका वैलिड हो जाएगा एडमिशन कराने के हस्ताक्षर कराने के बाद ही और मोहर कराने के बाद ही। यहाँ देख सकते हैं एक नंबर में है BICB यूनिक आईडी सत्र 2021-23 परीक्षा के लिए सूचीकृत नियमित एवं स्वतंत्र परीक्षार्थी के जारी किया गया है, इसलिए सत्र 2021-23 से पूर्व के सूचीकृत विद्यार्थियों के लिए BICB यूनिक आईडी मान नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उससे पहले का यहाँ पे मान नहीं है, इसी उसके बाद का ये मान। यह मूल प्रवेश पत्र केवल जाँच में उत्प्रेस यानी सेंटम में जो एग्जाम में पास हुआ है उसके लिए जारी किया गया। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि आवश्यक निर्देश है इसको आपको पढ़ना जरूरी होता है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि आप इस एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, यानी कि आप इंटर के छात्र हैं तो इस एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर इंटर आर्ट थ्योरी एग्जाम 2023 एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, और देख सकते हैं इंटर कॉमर्स थ्योरी एग्जाम 2023 एडमिट कार्ड देख सकते हैं, सारा यहाँ पे दिया गया है। चलिए मान के चलिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम दूसरा तरीका आप भी आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं BICB इंटर 23 बिहार बोर्ड online.com यहाँ पर दिया गया है। तो ये वेबसाइट अभी थोड़ा सर्वर यहाँ इसका थोड़ा डाउन हो गया है, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आप अपने कॉलेज का या स्कूल का नाम लिख देना है। आप अब जो है सारे स्कूल और कॉलेज अपना ऑफिशियल वेबसाइट बनाते हैं, उसी पे डाउनलोड करके अपना उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, तो आप अपने स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो आप अपने कॉलेज जा करके आप वहाँ से आप ले सकते हैं। और कॉलेज में अपने प्रिंसिपल जो होता है आपका उसे अपने सिग्नेचर करा के रख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 फरवरी से यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड यहाँ पर इसे क्लिक करके आपको सर्च करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आ रहे हैं स्टूडेंट थ्योरी एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोड आ रहा है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका कोड होगा स्कूल का कोड उससे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अपने कॉलेज से भी अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मरवाड़ी कॉलेज का यहाँ पे या गया कॉलेज का भी हम देख सकते हैं ओपन हम कर लिया, देख सकते हैं ये गया कॉलेज का है, तो देख सकते हैं गया कॉलेज में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं मरवाड़ी कॉलेज का आपको यदि दिखाएं तो मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा का है, तो उसका यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। चलिए हम इसको आपको हम दिखाते हैं, ये मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा का है, तो इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं। देख सकते हैं मरवाड़ी कॉलेज ac.in इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे अपडेट भी कर दिया गया है। तो अपने कॉलेज से आप अपना जाकर के एडमिट कार्ड ले सकते हैं।
तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।